हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको उर्दू में स साउंड के लिए कौन कौन से लेटर हैं और उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, उर्दू में, हिंदी में तो होता है स, है ना, या एक होता है श, ठीक है। तो ये भी स ही कहते हैं कुछ लोग, खैर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो स साउंड है, इसके लिए उर्दू में क्या है, उर्दू में इसके लिए एक तो है सबसे पहले से, ठीक है, और एक है सीन, ठीक है, एक है स्वाद, यानी इसका नाम है, नाम भी लिख देते हैं स्वाद, इसका नाम है सीन, ठीक है, और इसका नाम है से। लेकिन इन सब की आवाज़ जो है, आवाज़ निकलती है मान लीजिए स की तरह, और इंग्लिश में एस मान लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास लेटर्स हैं, तो आज कुछ हम वर्ड्स लिखवाएंगे इस स्वाद से। तो एक वर्ड, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम कोई वर्ड स्वाद से ही क्यों लिखा जाएगा, सीन से क्यों नहीं, है ना। ये आपके मन में शुरू में ये आता है, क्योंकि शुरू में आपने ना रीडिंग की होती है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा क्या मतलब मीडियम भी नहीं की होती है, बिल्कुल नए नए होते हैं। तो ये सवालात आते हैं मन में, के सवाल वर्ड एक है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सवाल वर्ड स्वाद से क्यों नहीं लिख सकते, सीन से ही क्यों लिखते हैं, या से सालस एक वर्ड है, सालस नामा, है ना, वो हम क्यों नहीं लिखते सीन से, या स्वाद से ही क्यों लिखते हैं। तो इसका जवाब सिंपली यही है दोस्तों, कि जब आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, रीडिंग प्रैक्टिस जब आप करेंगे, तो आपका जो है प्रैक्टिस लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतने ही आप इससे आप फैमिलियर होंगे, ठीक है। और बस धीरे धीरे आपको पढ़ पढ़ के लिख लिख के, यानी देख देख के लिखना, आपको जैसे आपको हिंदी या इंग्लिश आई थी उसी तरीके से ये भी आपको उन वर्ड्स की पहचान हो जाएगी, और प्रैक्टिस से ही आप समझ सकते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस से ही जो है इजी होने लगती है धीरे धीरे। तो हम लिखवाते हैं स्वाद से, तो स्वाद हम लिखते हैं यहाँ पे, ये तो रहा स्वाद फुल फॉर्म में, ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है बिल्कुल इतना सा ही है, ये है शॉर्ट फॉर्म, ठीक, बस यही एक शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो एक वर्ड है सुबह, तो सुबह वर्ड स्वाद से ही लिखा जाता है, तो स्वाद और फिर बे, और इसमें है बड़ी है, तो यहाँ से यहाँ बनाएंगे, है ना, और यूं मिला के छोड़ देंगे, और बे का नुक्ता यहाँ दे देंगे, इस बे जो है ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया सुबह। इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लेटर आए हैं, तो जाहिर है एक तो स्वाद आया है इसमें, ठीक है, और प्लस में आया है बे, ठीक, और बाद में प्लस में आया है लास्ट में है, इसे बड़ी है भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना है, ठीक, यहाँ से, लेकिन ये जो है बे के बाद जोड़ना है, तो इसीलिए हमने एक लाइन एक्स्ट्रा ले ली, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जिसका मतलब कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि उसको हम जोड़ सकें, ठीक। अगर हम यहीं पे लिखते हैं एक वर्ड सबा, किसी का नाम हो सकता है वो, सबा वैसे ठंडी हवा को भी बोलते हैं, तो देखिए स्वाद फिर बे, है ना, इतना हुआ स्वाद यहाँ से यहाँ तक, फिर इतना हुआ बे, नीचे एक नुक्ता दे दिया हमने, बे और अलिफ, ये हो गया बा, सबा, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें हिंदी में, तो कुछ यूं ये लिखा जाएगा सबा। इसमें सिर्फ तीन हैं, देखिए, एक तो स्वाद है, ठीक है, और एक है बे, और एक है अलिफ।
तो ये बे और अलिफ देख सकते हैं, बे इतना है ना, और अलिफ ये सीधे सीधे एक डंडा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वाद शुरू में आता है तो कुछ यूं दिखता है, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, यहाँ है सुबह लिख देते हैं। यहाँ पे सुबह वर्ड जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है, यानी इसका ओरिजिन अरबिक है। ठीक है, ये सब अरबिक वर्ड हैं ज़्यादातर स्वाद वाले। उसके बाद एक वर्ड लिखते हैं साफ। तो देखिए स्वाद, हमें क्या कहना है, सा, तो सा कहने के लिए हमें अलिफ लगाना पड़ेगा। स्वाद और अलिफ ज़बर भी होता है, तो ज़बर आप चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वाद अलिफ सा, और ये हो गया फे। ठीक है, तो एक वर्ड मिल गया हमें साफ, ये साफ है साफ, लेकिन हमें साफ लिखना है तो ये हम एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि फा तो उर्दू में होता है लेकिन हिंदी में फा नहीं होता, तो ये इस तरह से बिंदी लगा के हम फा बना देते हैं। ठीक, अगर इसको आप अलग अलग करेंगे तो आपको क्या मिलता है, एक तो स्वाद मिलता है, ठीक है, और एक मिलता है अलिफ और एक मिलता है फे। ठीक, ये हो गया साफ। ठीक है दोस्तों, अब एक वर्ड और लिखते हैं हम अपनी तरफ से। तो देखिए एक वर्ड है सब्र। तो देखिए स्वाद, इतना स्वाद हुआ, ठीक है, और बे, इतना बे हुआ, और रे। ठीक है, स्वाद बे और रे सब्र। ठीक, सबर नहीं कहते, सब्र कहते हैं, और इसको हिंदी में चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया सब्र। ठीक है, अब आप ये देखेंगे इसमें कि अलग अलग करें तो हमें स्वाद मिलता है अलग अलग करने पे, और बे मिलता है, और रे मिलता है। ठीक है, तो कुछ यूं ये एक वर्ड हमें मिलके तैयार मिल गया, कुछ इस तरह से एक वर्ड हमें मिल गया। ठीक है, अब अगला वर्ड हम लिखते हैं, बताते हैं कैसे लिखेंगे। एक वर्ड है, जब दो पार्टी में झगड़ा या लड़ाई होती है तो वो वर्ड याद किया जाता है या बोला जाता है, तो वो वर्ड है सुलह। स्वाद, ठीक है, फिर लाम, फिर बड़ी है। स्वाद पे सु, लाम और बड़ी है लह, सुलह सुलह। तो आप चाहे तो स्वाद के ऊपर ये पेश दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सु होगा, लाम पे ज़बर दे सकते हैं, लाम ज़बर ल और बड़ी है लह सुलह। ठीक है, तो हिंदी में अगर कुछ लिखेंगे तो यूं होगा, ये सुलह, यानी कि आपस में कंप्रोमाइज़ या इत्तफाक या दोस्ती, है ना। अगर इसमें हम अलग अलग करें तो देखिए हमें तीन वर्ड, तीन लेटर ही मिलते हैं, जिसमें है स्वाद और अगला है लाम और उसका अगला है बड़ी है। ठीक, तो इस तरह से हमें तीन लेटर मिल गए, और इनके मिलने से तो आप देखिए इसमें स्वाद जो है शुरू वाला है इतना, और फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, ये लाम के लिए लिया गया, तो ये लाम हो गया यहाँ तक। उसके बाद है के लिए ये लाइन ली है एक्स्ट्रा, और फिर है बना दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उतार लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। अब एक वर्ड हम लेते हैं खास। तो देखिए है इतना हुआ, ठीक है, ऊपर का हिस्सा लेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं खे जो होता है कुछ यूं दिखता है, ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है, तो ये खे हो गया दोस्तों। हमें खा बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, खे के बाद ये अलिफ ले जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद स्वाद लेंगे, तो ये हमने यहाँ पे स्वाद ले लिया दो दोस्तों, तो ये हो गया खास। अगर हिंदी में यही वर्ड लिखें हम तो ख के नीचे ये पॉइंट बिंदी देंगे, है ना। तो ये हो गया इतना खा और ये स। ठीक,
तो हिंदी में तो सीन के लिए भी स, से के लिए भी स और स्वाद के लिए भी स, लेकिन उर्दू में कहानी बदल जाती है। इसको अगर आप अलग अलग करते हैं तो हमें मिलता है, शुरू में मिलता है खे, यानी यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, यहाँ तक खे है, और उसके बाद अलिफ़ आता है लास्ट में, यानी खे के बाद अलिफ आएगा तो जुड़ी आएगा, लेकिन अलिफ पहले आ गया स्वा से, तो स्वाद और अलिफ अलग अलग रहेंगे, है ना। खे अलिफ ज़बर खा और ये स्वाद। ठीक, इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो ज़बर लगा दीजिए, चाहे तो मत लगाइए, डजेंट मैटर, बस आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये वर्ड खास में सीन नहीं स्वाद आएगा, ठीक है। और सीन और स्वाद में देखो इतना ही फ़र्क है, इतना फ़र्क है बस, और ये इसमें इतना फ़र्क है। ठीक, अब अगला वर्ड लिखते हैं दोस्तों। एक वर्ड है असल, देखिए अलिफ स्वाद और ये है लाम, तो अलिफ ज़बर अ, स्वाद ज़बर स, अ स और लाम की आवाज़ ल जैसी, ठीक है। तो ये हो गया असल। तो इस असल वर्ड में क्या देखा आपने कि स्वाद आया, ना कि सीन या से, है ना। तो वैसे स्वाद से कम है लेकिन सीन से वर्ड ज़्यादा हैं और से भी हैं, ठीक है। तो देखिए यह है असल, और हिंदी में इसी को लिखें तो कुछ यूं करके लिखा जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग करें तो आप देख भी सकते हैं, दिख भी रहा है, ये अलिफ है, उसके बाद है स्वाद, उसके बाद है लाम, ठीक। तो ये हो गया असल का अलग अलग, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आगे कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे अगला वर्ड देखते हैं फसल। तो देखिए फ, देखिए हमें फ और फ में फ़र्क समझ में आना चाहिए। फ बोलने के लिए जैसे हम बीच में से हवा निकालते हैं होंठ के, फ, तब फ बोलते हैं, और फ बोलने के लिए होंठों को बंद रखते हैं और एकदम से हवा निकालते हैं, फ फ, है ना। तो हिंदी में फ तो होता है लेकिन फ नहीं होता, इसीलिए फ और फ में बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं लोग, ठीक। खैर, तो फसल हम लिखते हैं, देखिए फे स्वाद और ये हो गया लाम, ठीक। यहाँ पे चाहिए तो एक वो दे दीजिए, तो फे का ये पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पे, फे ज़बर फ, स्वा ज़बर स, फ स और लाम है ही, ठीक। तो देखिए इसको हम लिखते हैं हिंदी में, यहाँ लिखते हैं पहले हिंदी में, अभी क्या लिखा है ये फसल फ, लेकिन हमें फ बनाना है तो ये पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारे पास एक फे, ठीक है, और बीच में आया है स्वाद। तो इस तरह से आप अलग अलग वर्ड में स्वाद वाले लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि स्वाद बीच में आएगा तो कैसा दिखेगा, है ना, कहीं ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्या है अलिफ आया, तो ये अलिफ और स्वाद अलग है लेकिन बीच में ऐसा ही आया जैसा यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे भी लगभग ऐसा ही है, ठीक है। बस फे स्वाद लाम ये तीनों मिला दिया गया है, लाम फुल फॉर्म की तरह दिख रहा है क्योंकि ये लास्ट में ऐसा ही दिखता है, ठीक है। या कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड में लास्ट वाला लेटर लगभग लगभग फुल फॉर्म में ही आता है, बस जोड़ के लिखते हैं उसको, है ना। तो ये हो गया फ स और ये लाम लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों, ये एक वर्ड हो गया पूरा पूरा फसल, ठीक। अब एक वर्ड लिखते हैं हम फैसला। तो देखिए फे, ये फे का नुक्ता और ये का दो नुक्ता, फे ये ज़बर हो गया, ज़बर लगेगा तो हो गया ये फ़ै। फिर स्वाद लेंगे यहाँ से, ठीक है, फिर लाम लेंगे और फिर छोटी है, ठीक है। तो इतना हुआ फे ये ज़बर, ये जो ये है ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों वैसे कई मरतबे, मैंने ये बताया हुआ है कि ये और बड़ी ये,
ठीक है, इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए गाइस। तो देखिए ये है फैसला, तो हिंदी में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और उर्दू में राइट टू लेफ्ट, फैसला, ठीक है। लाम और छोटी है ल होता है, ना कि लह, ल ही पढ़ेंगे जैसे यहाँ ला पढ़ा है, फैसला, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग करें दोस्तों तो देखिए हमें मिलता है फे, उसके बाद बड़ी ये, फे ये ज़बर, फै, और फिर स्वाद, इसमें लेटर ज़्यादा हैं, स्वाद के बाद है लाम, उसके बाद है छोटी हे, ठीक है। ये हो गया इतना फैस और ये ला, ठीक। तो इसको उतार लीजिए, फिर मिटाते हैं, अगले वर्ड के लिए जगह नहीं मिलेगी तो उसको मिटाएंगे हम। अब एक वर्ड लिखते हैं फासला, तो देखिए ये है हमारे पास फे और अलिफा, स्वाद, लाम और छोटी है, फे अलिफ ज़बर फा और स्वाद, फास, लाम ज़बर ला और छोटी है ला, फासला, ठीक है। फासला नहीं कहेंगे, हालांकि इसमें छोटी है, ये है छोटी है, कौन सा वाला है ये जो मैंने एक बार शायद आपको बताया हो दोस्तों, ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी होता है या फिर ऐसे भी होता है या फिर ऐसे भी होता है ना, ये सब छोटी है और इसका साउंड भी ह जैसा होता है, ठीक। तो फासला यानी कि दूरी, ठीक है। ये हो गया फासला दोस्तों, ठीक। अब इसको अलग अलग करें तो हमें क्या मिलता है, देखिए सबसे पहले फे मिलेगा, फिर अलिफ मिलेगा, फिर स्वाद मिलेगा, फिर लाम मिलेगा और फिर उसके बाद है दोस्तों छोटी है, ठीक। इतना हो गया फास, इतना हो गया ला, फासला, हालांकि छोटी है की आवाज़ ह जैसी होती है लेकिन हम लह, फासला नहीं कहते, फासला कहते हैं, ठीक। तो इसका फोटो लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। तो एक वर्ड है दोस्तों, आपने सुना होगा सदी, सदी बोलते हैं सेंचुरी को, है ना। तो देखिए स्वाद, फिर दाल, फिर छोटी ये, है ना, स्वाद ज़बर सौ, दाल ये दी, ठीक। सदी इसको हिंदी में लिखें तो कुछ यूं करके होगा सदी, ठीक। इसको अलग अलग करते हैं तो देखिए इतना हुआ स्वाद और फिर दाल, और दाल ये अलग है ही, इसमें दाल वाला मैंने बताया था आपको कि दाल अगर आता है किसी भी वर्ड में कहीं पे भी शुरू में चाहे बीच में तो दाल अपने अगले वाले से, यानी अगला वाला यहाँ छोटी ये है, इसे मिला के नहीं लिखेगा, लेकिन दाल से पहले यहाँ स्वाद है या दाल से पहले कोई भी लेटर किसी भी वर्ड में होगा तो दाल उससे मिल जाता है, यानी मिला के लिख सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। तो स्वाद और दाल जोड़ के लिखा गया है लेकिन दाल के आगे वाला दाल से किसी भी वर्ड में, यानी यहाँ पे ये है, ये जोड़ के नहीं लिखा गया है, इसमें स्पेस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ड हुआ सदी, ठीक है। तो एक लकड़ी का नाम है यू नो चंदन, उसी को हम बोलते हैं अरबी में संदल। तो संदल देखिए स्वाद नून दाल, स्वाद ज़बर सौ और नून सन, और दाल ज़बर द और लाम, ये हो गया संदल, ये हो गया दोस्तों संदल, ठीक है। इसको हम उर्दू में, इस उर्दू वर्ड को हिंदी में लिखें तो कुछ यूं करके लिखा जाएगा संदल, ठीक।
इसको अलग अलग करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले स्वाद, है ना, उसके बाद आपको मिलेगा नून, उसके बाद आपको मिलेगा दाल, उसके बाद आपको मिलेगा लाम। ठीक है, ये हो गया संदल। ठीक है, एक वर्ड होता है सदका, यानी किसी को दान देना। ठीक, तो सदका वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, देखिए स्वाद और दाल, इतना हो गया ज़बर के साथ सद। ठीक है, सद और का के लिए वही काफ, और यहाँ पे हम लेंगे छोटी है, काफ के ऊपर दो नुक्ता होता है आप जानते ही हैं। ठीक है, बाकी हम लिखेंगे फुल फॉर्म में, यहाँ इस इक्वल करके तो आपको पता चल जाएगा। तो सदका, देखिए स्वाद और दाल, सद काफ और छोटी है का, इसको हिंदी में लिखते हैं तो सद, ये हो गया सदका। लेकिन हम हिंदी में काफ के लिए ये पॉइंट लगा देते हैं क के नीचे, तब ये क जैसा पढ़ा जाता है। ठीक है, एक होता है क, एक होता है क। ठीक, तो देखिए इसको अलग अलग करें तो हमें मिलता है स्वाद, है ना, और दाल और काफ, ये सब फुल फॉर्म में है, जो जो आए हैं शॉर्ट फॉर्म में है हमें इसमें, और फिर छोटी है, ये हो गया एक वर्ड सदका। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दीजिए सदका। ठीक है ना, अब एक वर्ड हमारे पास है, एक वर्ड हमारे पास है, कहते हैं ना इसकी क्या ख़ासियत है, तो ख़ासियत वर्ड अरबिक से उर्दू में आया है, यानी ख़ासियत वर्ड का जो ओरिजिन है वो अरबी है। तो देखिए खा, पहले खा लिखते हैं, खा कहने के लिए सबसे पहले खे लिखेंगे, उसके बाद अलिफ़, ये पॉइंट लगाएंगे ऊपर तो ये खे बन जाएगा, उसके बाद स्वाद, फिर ये, इतना हुआ खास, फिर ये, और इतना हो गया ये, और इतना हुआ ते। ठीक, खासियत। ठीक है ना, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए खे, तो खे अलिम ज़बर खा, स्वाजिर सी, ये ते ज़बर यत, समथिंग लाइक ऐसा है, खा स्वाद ये ठीक है, तो ये हो गया खासियत। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो यही वर्ड समथिंग लाइक, है ना, इस ख के नीचे पॉइंट जरूर लगाएंगे ताकि ये खा पढ़ा जाए, क्योंकि एक होता है ख और एक होता है ये खे वाला खा। ख कहने के लिए हमें अंदर से हलक से स्ट्रेस देके या वहाँ हवा फंसा के एकदम निकालते हैं, खा खा, है ना, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। खैर, तो कुछ ये थी आज की कहानी जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, ये वर्ड जो जितने भी हैं, वैसे मैं एक बार ओवरहेड कैमरा करके बता चुका हूँ लेकिन इस तरह से हमने बताया नहीं कभी, है ना, यह हो सकता है वो वर्ड कुछ एकाध रिपीट हुए हों। तो इसमें हमने ये बताया मेन पॉइंट के से वर्ड जो लिखे जाते हैं, है ना, हिंदी में तो वो स से ही लिखे जाएंगे, और जो सीन से भी हिंदी में स होता है, स्वाद का भी हिंदी में स होता है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, जो मैंने वर्ड आज स्वाद वाले लिखवाए वो सीन से या से नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे तो वो गलत माने जाएंगे, गलत। ठीक है, तो गाइस आज ये वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त, यानी ख़त्म। तो हमने ये बताने की आज यही कोशिश की कि सीन से और स्वाद, इन सब का सा से सा जैसी आवाज़ आती है, लेकिन जो वर्ड स्वाद से लिखे जाएंगे जैसा कि आज हमने बताया, और जो वर्ड से लिखे जाएंगे वो स्वाद से या सीन से नहीं लिखे जाएंगे, या जो वर्ड स्वाद से लिखे जाएंगे वो सीन और से नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, तो फिर आज की कहानी यहीं तक, तो हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक हमारे चैनल को देखते रहें और शेयर करते रहें और कमेंट करके पूछते रहें, कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन पता नहीं आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया।
कुछ लोग करते हैं, मतलब जितना लोग देखते हैं उतने ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया उनको। ठीक है, तो फिर आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।